नमस्ते, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITI ज्ञान। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेटा केबल से आप अपने कंप्यूटर में नेट कैसे चलाएं। तो उसके लिए दोस्तों, हमारे पास में आज एक ये डेटा केबल है और आज हम इसके द्वारा आपको अपने मोबाइल से कैसे इंटरनेट जोड़ना है आपको ये बताएंगे। आप सबसे पहले तो अपना कंप्यूटर चालू कर लें, उसके बाद में आपको ये इंटरफेस नजर आएगा। अगर आपका कोई किसी भी प्रकार का विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो या फिर कोई भी विंडोज हो, XP को छोड़कर आपको, अगर जैसे कि आप विंडोज 7, 8, 10 आप जो भी यूज़ करते हैं, अगर उसमें आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास में अगर अच्छा सा एक एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें अगर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे कंप्यूटर में नेट चलाएं, तो उसके लिए आपको अपना विंडोज़ ओपन करके, आप देख रहे हैं कि आपके विंडोज़ में ये जो है इस टाइप का एक आइकन बना है, जो कि यहाँ पर हम जैसे ही उसके ऊपर कर्सर ले जाते हैं तो नॉट कनेक्टेड, नो कनेक्शंस लिखता हुआ है, तो हमको उसको जोड़ लेना है। जैसे अभी क्रॉस दिखाई दे रहा है, हम अगर ये डेटा केबल लगाकर अगर हम उसको सेटिंग करके अगर हम मोबाइल से इंटरनेट चालू कर देते हैं तो हमारा जो है इस कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर लिखेगा कनेक्टेड और ये क्रॉस हट जाएगा। तो दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं कि आपको इस डाटा केबल को कंप्यूटर से कैसे जोड़ना है। तो हमको सबसे पहले, आप देख रहे हैं कि ये जो डेटा केबल है उसका USB वाला जो पोर्ट होगा, आपको उसको अपने कंप्यूटर में लगा देना है। ये हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन है, ये हमारा कंप्यूटर का सेटअप है पूरा। और अब हमको इसमें इंटरनेट चलाने के लिए आपको इसमें केबल से इंटरनेट चलाना है। तो उसके लिए हमारे पास में ये केबल है, केबल का ये जो है USB वाला पोर्ट है और ये जो है मोबाइल में लगाना है हमको। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने USB केबल को हम इस USB पोर्ट में, CPU के USB पोर्ट में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। अब इसके बाद में ये वाला जो कनेक्टर है, हमको इस पोर्ट को मोबाइल के पोर्ट में, जहाँ से हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वहाँ पर हमको लगाना है। तो और ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। अब हमको इस फ़ोन से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करना है। तो और ये जो है आप देख रहे हैं, इस फोन में हम इस तरह से इस केबल को इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से कनेक्टर को। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर इस मोबाइल का नाम जुड़ गया है, ये यहाँ पर कॉर्नर में आ चुका है। अब दोस्तों, इसके बाद में आपको कुछ नहीं, सबसे पहले आपको ऊपर से अपने यहाँ पर जहाँ से सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ से आपको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग में चले जाना है। जैसे ही आप मोबाइल की मेन सेटिंग में चले जाएंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर मोर में जाना है, जो मोर लिखा हुआ आएगा इस मोर में जाना है। इसके बाद में यहाँ देख रहे हैं आप, चौथे नंबर पे आपको यहाँ पर जो है टेथरिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पर चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है USB डेयरिंग के लिए है, तो आपको इसको सबसे ऊपर वाले को ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे, आपके कंप्यूटर में यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट होने की कमांड ये मोबाइल से दे देगा और आपके कंप्यूटर में थोड़ी ही देर में आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नॉट कनेक्टेड आया हुआ है, तो अब आपको यहाँ पर जो है थोड़ी देर में ये जुड़ जाएगा, आपको जस्ट वेट करना होगा और ये कुछ प्रोसेस कर रहा है, ये इंटरनेट इस तरह से जुड़ जाएगा। और उसके बाद में आपको आपके जो मोबाइल है, मोबाइल का डेटा ऑन कर देना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही अपने मोबाइल का इंटरनेट डेटा ऑन कर चुका हूँ, तो आप इस तरह से ऑन कर दें। और आप अब देख रहे हैं कि कुछ ही समय के बाद में आपका जो है ये आइडेंटिफाइंग कर रहा है नो इंटरनेट एक्सेस, तो ये आइडेंटिफाइंग कर रहा है, तो ये जो है आपको इस तरह से इंटरनेट जोड़ देगा। अब इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन को आप रख दें और उसके बाद में जैसे आप अगर इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो अगर कोई ब्राउज़र वगैरह ओपन करना चाहते हैं, तो अपने ब्राउज़र में जाकर आप उसको ओपन कर लें। जैसे ही आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे, तो आपका ब्राउज़र का होम पेज ओपन हो जाएगा, हमारे यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में जैसे कि हमको यहाँ पर
इंटरनेट अगर जुड़ चुका है तो यहाँ पर हम कोई भी कुछ भी अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं YouTube, ठीक है, हम YOUTUBE। जैसे ही हम YouTube लिखेंगे तो आपको उसकी लिंक YouTube की लिंक ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इंटरनेट YouTube पर क्लिक करेंगे और आपको अगर यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करना है और चेक करना है कि आपका इंटरनेट जुड़ा या नहीं जुड़ा, तो उसके लिए आप इंटरनेट का कोई भी ब्राउज़र में जाके कुछ भी टाइप करें। जैसे ही हम यहाँ पर हम सर्च कर लेते ITI ज्ञान और हम एंटर किए तो हमारा जो है ITI ज्ञान का जो ये सबसे ऊपर में ही आपका जो चैनल है वो ओपन हो गया। मतलब ये इंटरनेट इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है इंटरनेट कनेक्ट करने का जो तरीका है, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में आप कनेक्ट इस तरह से कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। आप ज़्यादातर जैसे कि मैंने बताया इस टाइप का जो है आपका ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में इस टाइप के फीचर्स इस टाइप से सेटिंग ओपन होती है तो आप कर लें। अगर आपका कोई दूसरा फ़ोन हो तो उसमें आपको जैसे कि जहाँ पर भी USB डेयरिंग के लिए ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको जाके उसको ओपन कर लेना है। जैसे कोई किसी मोबाइल में वहाँ पर जैसे कि एडिशनल सेटिंग में पाया जाता है और किसी मोबाइल में इसमें नहीं पाया जाता, वो डायरेक्ट मोर में मिल जाता है। तो आप अपने हिसाब से जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस तरह के वीडियो आप और पाते रहना चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें, उसके लिए आप हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।